दिन दोस्तों, क्या हाल चाल। तो अभी जो है हम कर रहे हैं नाइट राइड। तो राइड तो राहुल कर रहा है, मैं तो एक्चुअली पीछे बैठा हूँ। तो बस अभी जस्ट गए हुए थे हम फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से वापिस हो रहे हैं अभी। तो आपको आवाज़ तो पता नहीं कैसी आ रही है, मैं बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास जो है ये माइक नहीं है, तो मैं बिना माइक से ही बोल रहा हूँ। अब आवाज़ तो आपको एक्चुअली जो है हम बाइक में हैं, तो अब हवा वगैरह चली है, तो हमने थोड़ी स्पीड भी कम कर दी। और यहाँ आगे जो है ना दो लड़का लड़की चले हुए हैं, वो ये तो पता नहीं है कौन। थोड़ी स्पीड बढ़ाना, तो इधर देख सकते हैं आप, इसने गाड़ी को बंद कर दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये घूमे हुए हैं इधर। तो ऐसी बात है, एरिया है यहाँ, मतलब मंडी का एरिया है अपना। इधर होटल है, अगर आपको रहना होगा तो इधर आ जाना नाइट को मंडी। और इस साइड जो है सरकारी, ये है पेट्रोल पंप है। और क्या क्या है यहाँ जो है, रोलर खड़ा हुआ है इधर साथ में, तो आप देख सकते हैं। और क्या है हमारे यहाँ बताने के लिए, और ये जो है काली लूत की सड़क है इधर। और थोड़ी देर के बाद आपको भीमा काली टेम्पल आएंगे हम। और इस साइड भी होटल है, अगर आपने रुकना होगा तो इधर रुक सकते हैं आप। और यार व्यू कितना अच्छा आ रहा है रात का, तो आप देख सकते हैं। बट क्लियरिटी भी नहीं आ रही है, तो आवाज़ में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी थोड़ी, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी आपको। तो वो बहुत तेज चली हुई है ना एक्चुअली, अब सफ़र कर रहे हैं बाइक का, तो हवा तो चलनी है यार। ये जो व्यू है इधर, ये जो है ना, ये भीमा काली माता का मंदिर है, बैक साइड से दिख रहा है। ये जो है सामने, ये भीमा काली माता का मंदिर है। और ये जो है मुनीश रिजॉर्ट है, मुनीश रिजॉर्ट बोलते हैं। ये ऊपर जो लाइटें जली हुई है ना, ये ऊपर वाली बहुत सारी लाइटें जली हुई है, इधर मुनीश रिजॉर्ट है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप ना, ये वाला गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है इधर, ये तो ये जो है ब्यूली पुल है। तो अभी यहाँ से देख सकते हैं आप बिल्कुल भीमा काली माता का मंदिर, तो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो देख लीजिए आप, ऐसा है। और रात को रोड भी बहुत खाली खाली रहती है। और चंडीगढ़ यहाँ से 200 किलोमीटर है, देख सकते हैं। बट आपको क्लियर दिखा या नहीं दिखा इतना तो पता नहीं। और इधर ढाबा वगैरह है, और यहाँ सामने ठेका है, ज़्यादातर ठेके वाले मतलब आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इधर ये सामने ठेका वगैरह है, और इसके साथ ही आपको होटल भी मिल जाएगा, फास्ट फूड वगैरह का है जो भी है। दिल्ली दरबार है होटल का नाम, तो ऐसा है। और यहाँ से देखिए, अब ये है भीमा काली माता का मंदिर, कुछ इस प्रकार का दिखता है। और गाड़ियाँ तो बहुत तेज चली हुई है। और अभी हम जो हैं, हम भी अपने रूम पहुँचने वाले हैं। तो अभी कहाँ जाना हमने? अभी हमने पटल जाना है। मेरे को तो पता नहीं, बट राहुल ने बोला कि पटल जाना है, तो क्यों ना पब्लिक के पास चलते हैं। देख सकते हैं आप हमारे पीछे कुछ नहीं है, खाली खाली दिख रहा है। अब दिखेगा, अभी इधर जो है गुरुद्वारा है हमारे पीछे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है गुरुद्वारा। तो यहाँ आप रात को ठहर सकते हैं, यहाँ ठहरने की कोई टेंशन नहीं है, आप जब मर्जी जब ठहरो इधर यार, नो प्रॉब्लम, वैसी बात है। और ये सामने लाइटें दिख रही है ना आपको नीचे जो, तो ये जो है स्विमिंग पूल है, यहाँ पे अपनी वो सॉन्ग की शूटिंग हुई है इधर। तो 3K स्पेशल पे सॉन्ग आने वाला है, उसकी शूटिंग हुई है। और इधर जो है पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है पेट्रोल भरने के लिए। और कुछ यहाँ से इस प्रकार का व्यू आता है, ये बंदे जो है आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ये यहाँ दिखे, अगर आपको दिखे होने तो, मेरी नज़र गई हुई है, बट कैमरा भी इनके साइड ही था, तो ऐसी बात है। और यहाँ से जो हो जाता है ये होटल वगैरह है खाना खाने के लिए। और यहाँ से जो है हमारा बस स्टैंड स्टार्ट हो जाता है, ये मंडी बस स्टैंड है यहाँ से ये बिल्कुल। और ये जो है पड्डल की बाहर की शॉप है, तो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट पड्डल के अंदर ही। तो पड्डल के अंदर क्यों जा रहे हैं हम बताना थोड़ा सा। पंकज है हमारा मामू का लड़का, राहुल के मामू का लड़का है पंकज, जो हमारे साथ देखा होना आपने कल के ब्लॉग में भी था। तो पंकज है वहाँ पे, तो हम पंकज को लेने जा रहे हैं। और ये
कुछ हम इस प्रकार से घुस चुके हैं ग्राउंड के अंदर। हमने यहाँ से एंट्री ले ली है अभी ग्राउंड के अंदर। तो ये जो है इधर पडल ग्राउंड है, यहाँ पर मेला वगैरह भी होता है, जो महाशिवरात्रि का मेला है, बहुत बड़ा मेला होता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, तो अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है इधर, ऐसी बात है। तो अभी हमने बाइक वगैरह लगाई हुई है इधर, तो बाइक लगा दी अपनी HP 75015। तो नंबर आपको क्लियर करवा देता हूँ मैं, और इधर नाम पटियाल दी क्यून। तो ऐसा है, अपने पटियाल साहब ये हैं यहाँ पे, पटियाल जी। तो बस अभी हम कहाँ ग्राउंड में घुस रहे हैं ना, तो अभी ग्राउंड में मार लिए हमने एंट्री। तो मिलते हैं अब आपके साथ थोड़ी देर के बाद गाइस। तो इधर देख सकते हैं आप, जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो बंदे इधर आके वॉलीबॉल खेलते हैं, और यहाँ अपने कुफरी किंग। हेलो भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया। फोन मत कर सारा यार। तो के भाई ने जो है फोन को ऑल कर लिया था, अपने पास रख लिया था ग्राउंड में, तो उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, तो अभी वो जस्ट रूम में पहुंच चुका हूँ। आज भी मैं राहुल के रूम पे हूँ, तो बस अभी इधर आप देख सकते हैं आप, रूम खाली खाली है। ये जो है पंकु ने किया रूम को खाली खाली, एक्चुअली थोड़ी सेटिंग वगैरह की जो तो सामान था वो रख दिया ऊपर साइड, और जो रूम आज खुला हो गया बढ़िया एकदम। मतलब ऐसे ही होती है यार, धीरे धीरे एक दो दिन में ऐसे ही होती है सेटिंग, तो ऐसी बात है। शायद कल बंदी की भी ऐसी होती है। हाँ जो भी समझो, तो कल शायद मैं भी रूम शिफ्ट करूँ क्या, मतलब हाँ रूम तो है नहीं मेरा, बट मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ ये अपनी फैक्ट्री में। तो ऐसा है, तो उधर फैक्ट्री है तो उधर शिफ्ट हो रहा हूँ मैं यहाँ से, तो फिर बता देंगे आपको वहाँ का व्यू वगैरह। ऐसी बात है, आई होप आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा ना। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।